हेलो बच्चों, आई होप कि आप सभी अपने घर पे स्वस्थ, सुरक्षित और खुश होंगे। बच्चों, हमने इसके पहले एक वीडियो अपलोड किया है जिसमें मैंने आपके इस पाठ को अच्छी तरह से पढ़ाया है। चलिए आज हम दूसरे वीडियो में उसी पाठ के प्रश्न उत्तर को देखेंगे। बच्चों, मैंने पीछे जो इसमें जो वीडियो अपलोड किया है इस चैप्टर को पढ़ाकर, उसमें मैंने आपको बताया था कि मैं आपको हिंदी महीनों के नाम भी बताऊंगी, बट उसमें मैं नहीं बता पाई थी। आप अब जो ये प्रश्न उत्तर मैं आपको करवा रही हूँ, इसके साथ ही साथ मैं आपको हिंदी महीनों के नाम भी बताऊँगी। तो चलिए बच्चों, आज हम देखते हैं पहले हमारे पाठ्य पुस्तक के प्रश्न उत्तर। तो अभी प्रश्न एक में देखिए, लेखक को अपनी दादी माँ की याद के साथ साथ बचपन की और किन किन बातों की याद आ जाती है। तो उत्तर देखिए, लेखक को जब मालूम होता है कि दादी माँ की मृत्यु हो गई है तो उनके सामने दादी माँ की कई सारी बातें अनायासी याद आने लगती हैं, जैसे कि गंधपूर्ण झाग भरे जलाशयों में कूदना, बीमार होने पर दादी माँ की दिन रात सेवा करना, किशन भैया की शादी पर औरतों द्वारा गीत गाना और अभिनय करना, ये सब उन्हें अनायासी याद आने लगती है, जो जिसका कि उन्होंने अपने इस लेख में उन्होंने इसका बड़े ही विस्तार से और बड़े ही अच्छे से इसका विश्लेषण किया हुआ है। प्रश्न दो में है, दादा की मृत्यु के बाद लेखक के घर की आर्थिक स्थिति खराब क्यों हो गई थी। तो बच्चों, इसका उत्तर है कि दादा की मृत्यु के बाद लेखक के घर की आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब हो गई थी, क्योंकि कपटी मित्रों और शुभचिंतकों ने सारा धन नष्ट कर डाला था। इसके अलावा दादाजी के श्राद्ध में बेहिसाब खर्चा हुआ था जो कि कर्ज में लिया हुआ था। दादी माँ के मना करने के बाद भी लेखक के पिताजी ने नहीं माना और व्यर्थ का खर्च किया, जिससे घर की आर्थिक स्थिति खराब हो गई। प्रश्न तीन है, दादी माँ के स्वभाव का कौन सा पक्ष आपको सबसे अच्छा लगता है और क्यों। तो इसका उत्तर है, दादी माँ के स्वभाव के कई पक्ष हमें बहुत अच्छे लगते हैं, जैसे कि उनका स्वभाव बहुत ही सरल और सरस था। दूसरा, दादी माँ का परोपकारी और सेवा भाव। तीसरा, दादी माँ का संरक्षणी भावना, और इन्हीं गुणों के कारण वे दूसरों का मन जीतने में हमेशा सफल भी रहती थीं। चौथा है, आर्थिक तंगी को देखकर पिताजी को सोने का कंगन देना, दादी के सहृदयता और उनकी कोमल भावनाओं का सहज ही परिचायक है। मुझे इनकी सदृशता वाला पक्ष सबसे अच्छा लगता है। पूछा गया है ना इस प्रश्न में कि आपको उनका कौन सा पक्ष अच्छा लगता है। तो इस क्वेश्चन में जो दो पार्ट हैं, तो दूसरे पार्ट का आंसर ये है कि मुझे उनकी सहृदयता वाला पक्ष सबसे अच्छा लगता है। सहृदयता क्या होता है बच्चों? सहृदयता यानी बहुत ही कोमल मन वाला पक्ष उनका सबसे अच्छा लगता है। कहानी से आगे में है, आपने इस कहानी में महीनों के नाम पढ़े हैं, जैसे क्वार, आषाढ़, माघ, इन महीनों में मौसम कैसा रहता है लिखिए। तो क्वार जो होता है, मैंने आपको पिछले वाली वीडियो में भी बताया था, क्वार में ना अधिक गर्मी होती है ना ही अधिक सर्दी होती है, बहुत ही अच्छा मौसम होता है ये, और हम इसमें बहुत अच्छा कंफर्टेबल फील करते हैं। आषाढ़ बरसात व अधिक गर्मी, आषाढ़ का जो महीना होता है वो बहुत गर्मी वाला भी होता है और बहुत इसमें बारिश भी होती है। माघ में बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, हाथ पैर ठुठुरने वाली, ऐसी लगते हैं जैसे हड्डियाँ जम जाएं। प्रश्न आगे, प्रश्न दो, आपने अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बात लेखक के इस कथन के अनुसार बताइए कि किसे मौसम में कौन कौन सी किस मौसम में कौन कौन सी चीज़ें विशेष रूप से मिलती हैं। तो उत्तर है बच्चों, मौसम तीन तरह के होते हैं, सर्दी गर्मी और बरसात। यह ठंड का मौसम होता है, और जो सर्दी का जो मौसम होता है, सर्दी उसमें क्या होता है, यह ठंड का मौसम होता है और गर्म खाना और गर्म पीने की चीज़ें हम पसंद करते हैं। फलों में जैसे सेब, अमरूद, अंगूर, केला तथा सब्जियों में पालक, मटर, सरसों, गोभी, गाजर, मूली आदि अधिक मात्रा में मिलते हैं। गर्मी जो होता है, यह बहुत गर्म मौसम होता है, लोग ठंडी चीज़ें खाना पसंद करते हैं। इस मौसम में आम, लीची, खीरा, तरबूज, ककड़ी जैसे फल पाए जाते हैं। सब्जियों में भिंडी, टिंडा, तुरई, कटहल आदि मिलते हैं। बरसात,
बरसात का मौसम जो होता है उसमें अत्यधिक बारिश होती है, लोग कुरकुरी चीज़ें खाना पसंद करते हैं, जैसे कि पकोड़े आदि। फलों के ना फल जो इनमें मिलते हैं बरसात के दिनों में, जो फल मिलते हैं वो हैं आलू बुखारा, खुरमानी। इसके अलावा सब्जियों में बैंगन, करेला, परवल, फलियां, अरबी आदि इस मौसम में मिलते हैं। तो हमारा इस पाठ में ये जो प्रश्न उत्तर था इसे हमने किया। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि मैं आपको हिंदी महीनों के नाम बताऊंगी। तो बच्चों, हिंदी महीनों के नाम हैं चैत, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भादो, क्वार, कार्तिक, अगहन, पूष, माघ और फागुन। मैंने यहाँ लिख के तो नहीं दिया है बच्चों, लेकिन आपको मैं दोबारा एक बार रिपीट कर दे रही हूँ, आप ध्यान से सुनना और लिखते जाना। चैत, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, भादो, क्वार, कार्तिक, अगहन, पूष, माघ और फागुन। ये हैं हमारी हिंदी महीनों के नाम। ओके बच्चों, अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ और ये प्रश्न उत्तर जो मैंने लिखा है आपको समझ आते हों, तो आप प्लीज़ इसे लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें। थैंक यू बच्चों, फिर मिलेंगे हम पार्ट 3 के साथ।